हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नए वीडियो में। इस वीडियो में बताने वाला हूँ टॉप 10 मोस्ट पॉपुलर एक्शन टर्की सीरीज जो आप फ्री में देख सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं यान इन्फो। टीम वन 2012 में टेलीकास्ट हुआ एक्शन क्राइम टर्किश ड्रामा। ये कहानी 7 पुलिस ऑफिसर्स की है जिनको कहते हैं टीम वन। इस कहानी में देखिए कैसे पुलिस ऑफिसर्स अपने जान पे खेल के गुनहगारों को सजा देते हैं और कैसे सिटी में होने वाले सारे क्राइम केसेस को सॉल्व करते हैं। ये शो भी आपको यूट्यूब पे अवेलेबल मिल जाएगा। कुजे गुने 2011 में टेलीकास्ट हुआ रोमांटिक एक्शन टर्किश ड्रामा। इस सीरियल की कहानी दो भाइयों की है जिन्हें एक ही लड़की से मोहब्बत हो जाती है। दोनों भाइयों की एक गलती की वजह से एक रात एक मासूम लड़की की जान चली जाती है जिसका एक्सीडेंट गुने ने किया होता है। पर ये इल्ज़ाम कुजे अपने सर ले लेता है और वो 4 साल जेल में रह के आता है, जिसके बाद उसको ये पता चलता है कि जेमरे जिसे वो प्यार करता था अब वो गुने की हो चुकी है और इनकी जल्दी ही शादी होने वाली है। और आगे क्या होने वाला है ये देखने के लिए देखिए कुजे गुने। कुजे गुने के सारे एपिसोड देखना चाहते हैं तो आई बटन पे लिंक मिल जाएगी, आप वीडियो के एंड में जाके देख सकते हैं। 20 दकीका 2013 में टेलीकास्ट हुआ है सस्पेंस थ्रिलर टर्किश ड्रामा। उर्दू में आपको 20 मिनट्स के भी नाम से मिल जाएगा। ये सीरियल की कहानी अली और मलिक की है जो अपने बच्चों के साथ रहती हैं। एक रात पुलिस मलिक को अरेस्ट कर लेती है एक मर्डर के इल्ज़ाम में, जिसके बाद अली अपनी वाइफ को बेकसूर साबित करने के लिए लग जाता है। और आगे क्या होगा ये देखने के लिए देखिए 20 मिनट्स। आप इसको यूट्यूब पे चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप इसको सारे एपिसोड्स नहीं देख पाए उर्दू में तो आप डायरेक्टली इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ देखिए, यूट्यूब पर ही अवेलेबल मिल जाएगा। हल्का 2019 में टेलीकास्ट हुआ एक्शन टर्किश ड्रामा। ये कहानी जहांगीर और कैन की है। पुलिस को एक दिन एक मर्डर की क्लिप मिलती है जो 25 साल पुराने केस से जुड़ी हुई होती है जो अभी क्लोज हो चुका है, और वही मर्डर जहांगीर और कैन के पास्ट से भी जुड़ा हुआ है। और आगे क्या होगा ये देखने के लिए देखिए हल्का यानी द सर्कल, जो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं विद इंग्लिश सबटाइटल्स। ये हिंदी में अवेलेबल नहीं है। एजिल 2009 में रिलीज हुआ है एक्शन क्राइम टर्किश ड्रामा जिसके 71 एपिसोड्स हैं और उसका एक सीजन अवेलेबल है। ये कहानी ओमेर की है जिसको एक मर्डर और रॉबरी के केस में जेल भेज दिया जाता है और लगभग 8 साल बाद वो जेल से भाग जाता है और अपनी आइडेंटिटी को चेंज कर लेता है। और वो अब अपना बदला लेना चाहता है उसके 3 दोस्तों के साथ जिन्होंने उसको धोखा दिया। और क्या होता है आगे देखने के लिए देखिए एजिल, यूट्यूब पे अवेलेबल है। पिलिंता 2014 में टेलीकास्ट हुआ है मिस्ट्री हिस्टोरिकल टर्किश ड्रामा जिसके 2 सीजन अवेलेबल हैं और इसमें 149 एपिसोड्स हैं। ये कहानी 19th सेंचुरी से शुरू होती है जहां पे ऑटोमन एम्पायर का राज है। इस कहानी में फिलिंता मुस्तफा एक पुलिस वाले हैं, मगर उन पर ये आरोप है कि उन्होंने अपने दोस्त को मारा है और गैर कानूनी कामों में भी उनका हाथ है, जिसके बाद कोर्ट ये फैसला लेती है कि उनको फांसी दे दी जाएगी। मगर उस टाइम के सुल्तान फिलिंता मुस्तफा को 1 साल की मोहलत देते हैं अपनी बेगुनाही को साबित करने के लिए, और उनको अपनी पुलिस की वर्दी भी वापस मिल जाती है। उसके बाद वो कैसे इन्वेस्टिगेशन करते हैं और कौन होता है सभी के पीछे ये देखने के लिए देखिए फिलिंता मुस्तफा, यूट्यूब में भी इसको देख सकते हैं। मुहाफिज 2018 में टेलीकास्ट हुआ है सुपर हीरो टर्किश ड्रामा, आपको हिंदी में द प्रोटेक्टर के नाम से मिल जाएगा। कहानी हॉकन की है जो अपनी फैमिली को खो चुका है बचपन में और अब वो एक शॉपकीपर की तरह काम करता है, पर उसके साथ कुछ ऐसे हादसे होते रहते हैं जिससे उसे पता लगता है कि वो एक प्रोटेक्टर की फैमिली से बिलोंग करता है जो अपने शहर को बचाना चाहते हैं इमॉर्टल से। कैसे हॉकन एक सुपर हीरो बनता है और कैसे उसके दुश्मनों से वो बदला लेता है वो सब जानने के लिए देखिए द प्रोटेक्टर हिंदी में, जो आप एक वेबसाइट से देख सकते हैं जिसका नाम है कैट मूवीज HD। जार पेशमा 2018 में टेलीकास्ट हुआ है सस्पेंस थ्रिलर टर्किश ड्रामा। इस सीरियल की कहानी 4 लोगों की है जो एक इंसिडेंट के वजह से एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाते हैं और एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं, और एक ऐसा इंसान होता है जो इनसे बदला लेना चाहता है पैसों की वजह से और नफरत की वजह से। और क्या होता है आगे आप देखने के लिए देखिए क्रश MX प्लेयर पर। इजर्दे इनसाइड 2016 में टेलीकास्ट हुआ एक्शन टर्किश ड्रामा का एक सीजन अवेलेबल है और इसमें 39 एपिसोड्स हैं। ये कहानी दो भाइयों की है सार्प और उमुत, जो अपनी माँ के साथ रहते हैं और उनके पिता को जेल हो चुकी है। बचपन में उमुत को एक माफिया के लीडर जलील ने किडनैप कर लिया था जिसके वजह से दो भाई अलग हो चुके हैं, और अब बहुत सालों के बाद जो दोनों बड़े हो चुके हैं, मगर उमत अपने अतीत के बारे में कुछ नहीं जानता उसके भाई और उसकी माँ के बारे में। और सार्प एक पुलिस ऑफिसर बनना चाहता है मगर एक पुलिस वाले की वजह से उसको 1 साल जेल हो जाती है, जिसके बाद वो एक गुंडा बन जाता है और वो माफिया के लीडर जलील के लिए काम करने लगता है। और अब कैसे सार्प अपने भाई को ढूंढेगा और कैसे अपने पिता के कातिल को भी ढूंढेगा ये जानने के लिए देखिए इनसाइड, जो यूट्यूब पे अवेलेबल है विद इंग्लिश सबटाइटल। जुकुर द बिट
2017 में रिलीज हुआ एक्शन टर्किश ड्रामा जिसके 3 सीजन अवेलेबल हैं और इसमें 93 एपिसोड्स हैं। ये कहानी कोजावेली फैमिली की है जिसका हेड है इद्रिस कोजावेली और इसके 4 बेटे हैं और ये लोग इस्तांबुल के गैर कानूनी कामों को कंट्रोल करते हैं। एक दिन ओर्तलू नाम का शख्स इस्तांबुल में ड्रग्स बेचना चाहता है जिसकी वजह से वो इद्रिस से मिलकर डील करना चाहता है, मगर इद्रिस उसे मना कर देता है जिसकी वजह से ओर्तलू को गुस्सा आ जाता है और इद्रिस पर वो जानलेवा हमला करवाता है। जिसके बाद आगे क्या होगा ये देखने के लिए देखिए द बिट विथ इंग्लिश सबटाइटल, आपको YouTube पे अवेलेबल मिल जाएगा।